पढ़ लिख लिया है तो क्या छोटा बिजनेस नहीं कर सकते हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है, बस बिजनेस तो बिजनेस है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। क्या हमें पता चले कि हाँ एक बीएससी चाय वाला काम करे, लेकिन करे, घर में बैठने से तो बेटर है कि कुछ काम करो। सुनना तो वैसे भी घर में भी सुनना है, पर मम्मी बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो मना करते हैं, बोलते हैं ग्रेजुएट इसीलिए करवाई, बीएससी इसीलिए करवाई, यही काम करके रिश्ते में आते हैं तो प्रॉब्लम होगा, शादी में बहुत प्रॉब्लमें आएंगी, चाय बेचती है कोई क्या बोलेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द लार्ज में, और मैं हूँ आपके साथ विशाल गौरव। और अभी हम लोग नोएडा में हैं, नोएडा सेक्टर 16 के जस्ट सामने जो मेट्रो स्टेशन है उसके सामने हैं। और ये देखिए आप, बीएससी चाय वाली, और ये सामने देख रहे होंगे आप। और जब से देश में प्रधानमंत्री चाय वाले बने हैं तब से चाय वालों की बाढ़ सी आ गई है। और आए दिन आप देखते होंगे बहुत सारे इंटरप्रेन्योर होंगे जो चाय का बिजनेस कर रहे हैं और अच्छा खासा रोज़गार लोगों को दे रहे हैं। तो आइए हम बातचीत करेंगे कि ये इन्होंने बीएससी कर चाय का ही दुकान खोलना क्यों। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू सो मच। सबसे पहले ये मैं जानना चाहूँगा कि जो बीएससी चाय वाली नाम रखा है आपने क्यों रखा है? क्योंकि मैंने बीएससी कर रखा है इसीलिए रखा है, इसी ईयर कंप्लीट किया है। तो बहुत सारे लोगों को का ये सवाल होगा कि बीएससी करने के बाद से आपने चाय का बिजनेस किया और अच्छा खासा पढ़ाई करने के बाद से चाय बेच रहे हैं, तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं बनता और आप बीएससी जो नाम है उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ज़रूरी नहीं है, अगर इंसान पढ़ लिख लिया है तो क्या छोटा बिजनेस नहीं कर सकते हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है, बस बिजनेस तो बिजनेस है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, पर छोटे से ही जो मजा आता है वो बड़े में जाने पे नहीं, जो छोटे से बड़े में जाने में वो किसी भी मजा नहीं है। अभी कैसा लगता है? अच्छा लगता है, तभी तो कर रही हूँ। तो आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। और चाय में कौन कौन से मेनू है आपका, इसके बारे में बताइए। में चॉकलेट चाय है, रोज चाय है, पान चाय है और नॉर्मल चाय तो है ही। अच्छा, एक सवाल रहेगा कि इसको आगे चल कर कहाँ तक ले जाने की सोच है? बहुत आगे ले जाना है इसको, तो बहुत आगे ले जाना है, इतना ले जाना है कि बस आप पूरे इंडिया में पता चले कि हाँ एक बीएससी चाय वाली है। मैं ये भी सुन रहा था कि जब मीडिया वाले आते हैं तो आपको कहीं कई बार ऑकवर्ड फील होता है क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, तो ऐसा भी है क्या? नहीं, ऐसा तो बस थोड़ा बहुत होता है कभी कभी, बट अब नहीं, अब तो आते रहते हैं सब। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे चाय वाले शुरुआत किए हैं जैसे आप किए हैं और आज बड़े लेवल पे है, तो कब तक ये देखने को मिलेगा और कैसे मैनेज कर लेती हैं इतना सारे चीज़ एक लड़की होकर भी? हो जाता है, ज़रूरी नहीं है कि लड़की होकर नहीं, वो हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, करना शुरू करे तो हर काम हो जाता है, चाहे अच्छा, वो कुछ भी हो। जो लड़कियाँ देख रही होंगी चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, कोई भी कोर्स करके आती हैं और जब जॉब नहीं मिल पाता है तो डीमोटिवेट होकर घर पे बैठ जाती हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, कोई भी लड़कियाँ हो डीमोटिवेट ना हो, क्योंकि कुछ भी काम करे लेकिन करे, घर में बैठने से तो बेटर है कि कुछ काम करो। सुनना तो वैसे भी घर में भी सुनना है, बाहर भी सुनना है, इससे अच्छा काम करो कुछ। आपने जॉब के लिए ट्राई किया था बीएससी करने के बाद? हाँ, किया था जॉब के लिए ट्राई, लग गई थी जॉब लेकिन की नहीं। जॉब नहीं किया? नहीं, मैंने तो सुना था कि बात जॉब लग रही थी तो नहीं। हाँ, जॉब लग रही थी लेकिन की नहीं, टीचिंग भी करती थी पर की नहीं जॉब। अच्छा, चाय का जब आपने दुकान खोला उसके बाद से आपके लाइफ में कितना बदलाव आ गया है? कुछ नहीं, लाइफ में बदलाव क्या आएगा, बस यही है कि अब जो है वो बिजनेस है अपना, बस बिजनेस करना है। अच्छा, आप कहाँ की रहने वाली हैं और आपके माता पिता आज इस काम से खुश हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, पापा मम्मी बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो मना करते हैं, बोलते हैं ग्रेजुएट इसीलिए करवाई, बीएससी इसीलिए करवाई, यही काम करने के लिए। क्या लगता है माँ बाप को, यही लगता है कि अगर लड़की चाय बेच रही हो तो क्या उसका शादी में प्रॉब्लम होगी, ये सारी चीज़ें हैं? हाँ, वो तो सभी बोलते हैं, हर कोई बोलता है कि बीएससी करवाई है, एक तो ये, और उसके बाद होते हैं ना कि बोलते हैं कि बस लड़की के रिश्ते में आते हैं तो प्रॉब्लम होगा, शादी में बहुत प्रॉब्लमें आएंगी, चाय बेचती है कोई क्या बोलेंगे, बहुत सारे बोलते हैं ऐसे। तो क्या लगता है कोई लड़का अपनाएगा शादी करेगा, और क्या शादी को लेकर क्या प्लान है? नहीं, मुझे नहीं, कोई अपनाए ना अपनाए, अपना तो मुझे काम करना है, अपना बिजनेस को बड़ा करना है, ये नहीं सोचूंगी कि हाँ मेरे से वो शादी नहीं करेगा या कुछ नहीं करेगा तो मैं अपना काम नहीं करूँ, कल को ये मेरा काम बड़ा हो जाएगा तो वो खुद ही लोग आएंगे। और शादी को लेकर क्या ख्याल है? दूसरा सवाल ये था मेरा, क्योंकि आप एक इंटरप्रेन्योर हैं और आप भी कमाती हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी उस लेवल की लड़के को कोशिश करेंगे? शादी के लिए तो अभी कुछ नहीं सोचा है फिलहाल। जाते जाते जो लड़कियां देख रही हैं उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? किनको?
जो लड़कियाँ देख रही हैं, बस यही बोलेंगे, वो जो भी फील्ड में है जो भी करना चाहती हैं, ये नहीं देखे कि समाज क्या कहेंगे, लड़की है तो ये बोलेंगे वो बोलेंगे, कुछ नहीं, मत देखो अपना काम करो, चाहे जिस भी फील्ड में जाना हो लड़कियों को, जिस भी फील्ड में मना जाए, लोगों के बारे में ना सोचे। चलिए, हमारे साथ BSC चाय वाली थी और इनका साफ तौर पर कहना है कि लड़कियाँ कोई भी किसी भी फील्ड में जाएँ, अच्छे से काम करें और लोग क्या कहते हैं इसके बारे में वो ध्यान ना दें और अपना काम पूरी ईमानदारी से करें, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी।